कमाएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। क्या हो छोटे गया? छोटे यूट्यूबर ने अल्लाह पाक से मेरी झोली उठा के दुआ है कि अल्लाह पाक सबको। लेकिन हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट की है हर बात में। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज हम हैं भी बहुत ज़्यादा खुश। वो इस वजह से खुश हैं, ये ना रेहान बताएंगे हम क्यों खुश हैं। हम खुश इस वजह से हैं, हमारी हमें जो मोहब्बत दी है हमारे व्यूवर ने, हमें देखने वालों ने, उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज YouTube की पहली आमदनी हमें मिली है। पौने दो साल में हमने मेहनत की, पौने दो साल जी, बहुत उसके बाद पहली आमदनी मिली, बहुत ज्यादा खुशी हुई अल्लाह पाक की रहमत से और हमारे व्यूवर्स की दुआओं से। हालात बेहतरी की तरफ चल निकले हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दौड़नी के अल्लाह पाक हमें सब खुशियाँ देगा। अल्लाह पाक सबको सब खुशियाँ दे, अल्लाह पाक सबकी जरूरियात जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको अपना मकान दे। और इसमें हमारी कोई वो नहीं है क्वालिटी, सिर्फ अल्लाह की अल्लाह की मेहरबानी है। कुछ लोगों ने हमें गिराने की बहुत कोशिश की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, आप चला ही नहीं सकते कोई। देखें हम अपनी खुशी में उन नेगेटिव लोगों का जिक्र करना ही नहीं चाहते। अल्लाह पाक सबको दे और बेतहाशा दे, यार अल्लाह ने देना है ना। और ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ है। अगर मैं तो ये सोचती हूँ कि इंसान के हाथ में होता तो एक दूसरे को भूखे ही मार देते। ये हालात हैं, बस अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतरी करने वाला है। मैं तो कल जो मेरी गाड़ी का कंप्यूटर जला, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान था। चलो कुछ आटे में नमक के बराबर, चलो कुछ यहाँ से कुछ किधर से, अल्लाह करेगा वो गाड़ी के कंप्यूटर वाला मसला भी मेरा हल हो जाएगा इंशाल्लाह। आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें, क्योंकि नहीं था आइडिया भी यार ये आमदनी मिलती है, सुनते तो थे आ ही नहीं रही थी। क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ना मायूस कर दिया था कि इनकम नहीं आती, ये है वो है, पता नहीं लोग झूठ क्यों इतना बोलते हैं के इतने व्यूज़ हों तो इतनी कम इनकम बनती है, ये होता है वो होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करें सब तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। ऐसे नहीं है कि इनकम नहीं मिलती, थोड़ी या ज़्यादा मिलती ज़रूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कम है। और मैं सब जो भी YouTube पे वीडियो बनाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे, उनको भी अल्लाह पाक कामयाब करे। डेढ़ पौने दो साल का अरसा अजियत से कम नहीं है कि हमने मेहनत की और एक रुपया भी आमद नहीं हुआ, एक रुपया भी सिर्फ लगाए ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेढ़ दो साल की, तकरीबन पौने दो साल कन्फर्म हो चुके हैं, पौने दो साल की मेहनत के बाद आज पहली हमें आमदनी मिली। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर जो भी YouTube पे मेहनत करते हैं, वैसे तो जो भी जिस फील्ड में भी मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक सबको दे। क्योंकि हम एक यूट्यूबर होने के नाते अपनी यूट्यूबर फैमिली के लिए भी दुआगो हैं। जो छोटे यूट्यूबर हैं अल्लाह पाक से मेरी झोली उठा के दुआ है कि अल्लाह पाक सबको दे। अल्लाह पाक देता है, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और मैं अपने व्यूअर का एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी मोहब्बतों की वजह से हमें ये दिन नसीब हुए, ये खुशी के दिन। और हम ये अपनी खुशी किस तरह मनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि हम ये अपनी खुशी किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और हमारे जो व्यूवर्स हैं जो स्टार्ट से हमें देख रहे हैं, उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि हमने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है, कितनी मेहनत की है इसके लिए। और जो हम अपनी खुशी मनाएंगे वो हमारी खुशी इस तरीके से होगी कि उसमें भी अल्लाह खुश होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो कोई हम बस मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अपने व्यूवर का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। अगेन थैंक यू मेरे चाहने वाले, मेरे मुझे प्यार करने वाले। अल्लाह पाक आप लोगों को इतनी खुशियाँ दे कि बस मैं बता नहीं सकता। अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे आपको, खुशियाँ दे, खुश रहें। और हमें भी दुआओं की अपील जो मैं हमेशा करता हूँ, हमें भी दुआएं दें
अल्लाह पाक आपको भी कामयाबियां दे। मैं तो खुशी में आ गई हूँ यहाँ झूले पे झूला लेने के लिए, मैंने कहा मैं झूले लेती हूँ इसी खुशी में। और नूरीन जब भी खुश होती है ये झूले लेती है, इसको इस तरीके से सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। और मुझे झूले देने की ड्यूटी भी है, ये देखें जी। और मैं हमसे ज्यादा तो बच्चे खुश होंगे क्योंकि उनको तो इतने दिनों से इंतजार था मम्मा कब हमारी। अब वो ट्यूशन पे गए हुए हैं, अभी उन्हें पता भी नहीं है। हाँ जी, वो जैसे ही आएंगे उनकी तो खुशी की इंतहा होगी। वो तो इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, मम्मा हम फर्स्ट इनकम आएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। क्या हो गया, क्या हो गया, पागल तो नहीं हो? खुशी की बात है यार नूरीन, खुशी की बात है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, ये खुशी होनी चाहिए आपके चेहरे पे। जितनी भी आई है आमदनी इंशाल्लाह बढ़ भी जाएगी। क्या हो गया, बात सुन ना यार, बात सुन। नहीं रोते नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। चलो, बच्चों ने बहुत इंतजार किया इस दिन के लिए यार, सब ने इंतजार किया, अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर। अल्लाह का तो लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया, वरना बहुत से लोगों ने हमें ना उम्मीद ही किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह के शुक्र के बाद हमारे नाज़रीन, हमें देखने वालों, हमें मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया। लेकिन हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट की है हर बात में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो बेशक लाहौर से फैमिली है, वो बेशक गुजरात से, वो गाँव से, सब ने हमें सपोर्ट किया, हमें हमारे चाहने वालों ने देखने वालों ने सपोर्ट किया सिवाय एक के। लेकिन अल्लाह पाक उसका भी भला करे, जब एक मामला ही अल्लाह के सपुर्द है तो अल्लाह ताला अल्लाह ही बेहतर फैसले करने वाला। बच्चे अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं ट्यूशन से, तो मैंने आते ही उनको नहीं बताया था कि हमारी फर्स्ट इनकम आ गई हुई है, क्योंकि फिर वो खाना भी ना खाती और उछलती फिरती पूरे घर में। तो अब खाना वगैरह खिला के जैसे ही मैंने उनको बताया तो वो पहुंच गई हैं इधर रेहान के पास, और रेहान को कर रही हैं तो देखो आज खुशी का दिन है, आज आज इसको कुछ नहीं। क्या कह रही हैं ये, कैसी मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, तसल्ली से बात सुनते हैं। हाँ जी देंगे, पार्टी देंगे, मम्मा बिरयानी बनाएंगी घर में, हाँ साथ बनाऊंगी शामी और मजेदार सी पार्टी देंगे। क्यों, क्यों घर का खाना सही होता है, फास्ट फूड नहीं सही होता। देखा मुझे नहीं बात करने दी। हाँ जी, सबसे पहले तो बेटा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, खुशी की बात है ना, शुक्राने के नफल पढ़ो, दो दो रकात नमाज नफल। हाँ जी, ये सबसे जरूरी काम ये सबसे जरूरी काम। दूसरा, कल नहीं परसों संडे वाले दिन अल्लाह को भी खुश करेंगे, आप लोगों को भी खुश करेंगे। कैसे, देखो वो सरप्राइज, सरप्राइज वो सरप्राइज अभी नहीं हम बता सकते, सरप्राइज भी क्या जो भी कुछ। अरे ये जो बेटा बात सुन, हमारे बात तो सुनते हैं ना बेटा पूरी तसल्ली से, तो वीवर को तो पता लग गया होगा, आप लोगों को अभी तक नहीं पता लगा, तो परसों फिर आप लोगों को पता लग जाएगा। कितने सरप्राइज रखोगे हमारे लिए, पहले पिज़्ज़ा खिला रहे हैं बाबा जी, नहीं अल्लाह मियां खुश होंगे बड़ी बेटी को पिज़्ज़ा खिलाने, अल्लाह खुश होंगे बड़ी बेटी को पिज़्ज़ा खिलाने पे, छोटियों के मुंह नहीं है। अल्लाह पाक अपनी बीवी बच्चों पे औलाद पे खर्च करने से 100% खुश होते हैं। अल्लाह खुश होंगे सारी बेटियों को खिलाने पे पिज़्ज़ा, बेटियों को खिलाने बड़ी को नहीं। अच्छा मेरी बात, सारे अपनी अपनी फरमाइशें बता रहे हैं। अच्छा बात सुनो, आप जो मामा फैसला करेंगे मामा के ऊपर छोड़ देते हैं ये बात। ये ना खुशी का दिन है तो जो बच्चे कहेंगे मैं बच्चों पे छोड़ती हूँ। अच्छा
अच्छा बात सुनो बात सुनो बात सुनो, मैं जबरदस्त आइडिया दे रहा, पर्चियां डालते हैं, हाँ पर्चियां डालते हैं और वो रब उठाएगी, नहीं उठाएगी वो रब, हाँ जी अभी ये भी देख लेना सारी पर्चियों पे मुख्तलिफ चीजें ही हो, ये ना हो कि सारी पर्चियों पे एक ही चीज, आप अच्छा करते हो, ठीक है बेटा मेरी बात सुनो, जो हुरब की पसंद होगी ना छोटी बेटियों के लिए तो करनी पड़ती है ना चीटिंग, जो हुरब की पसंद होगी वो ही साफ पर्चियों पे लिख देंगे, बर्गर पूरा पूरा का बर्गर, बर्गर बर्गर पूरा पूरा के की बर्गर 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 बर्गर। लो जी ये देखिए, ये लिखो पिज़्ज़ा, इधर आ जाओ भी नूरी, कैमरे को नजदीक करो, और ये जी नबीहा की पसंद क्या है, ठीक हो गया, पिज्जा, अब बिस्मा बर्गर बर्गर मुझे बर्गर बर्गर बर्गर, अब बेरा तेरी गोल गप्पे गोल गप्पे, गला देख लो इसका, गोल गप्पे, अब बेरा ने कितना अच्छा बोला, गोल गप्पे, और अब की क्या पसंद है, मेरा पिज्जा हो गया, पिज्जा फ्रेंड फ्राइज, आइसक्रीम फ्लाइज, नहीं हुरब शवारमा लिखवा दो, पहले ये हुरब का था बर्गर, फिर हो गया इसका फ्रेंड फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज को फ्रेंड फ्राइज फ्राइज कहती है ये, फ्रेंड फ्राइज जैसे इसकी वो फ्रेंड, बाबू इतनी छोटी छोटी बना देते हैं पर्चियां, छोटी चले जी, मैं करवाती हूँ इनका फैसला और यही करते हैं आज का व्लॉग खत्म, उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, मज़ीद इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और दुआ कीजिएगा कि इनका फैसला हो जाए।